जेवलिन थ्रो के एक एथलीट हैं नवदीप सिंह जी। हाँ, ऐसे खिलाड़ी जो टोक्यो गए तो खाली हाथ लौटे, मेडल चूक गए, लेकिन उसके बाद अगले ही पैरालंपिक में इन्होंने बहुत लंबी छलांग लगाई और गोल्ड मेडल इनके नाम रहा। बहुत बहुत बधाई नवदीप आपको इस कामयाबी के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। क्या कहेंगे इस कामयाबी के लिए कि इतनी लंबी छलांग, चौथे से पहले स्थान पर आना कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? सर ऐसा नहीं है कि छलांग मैंने चौथे से लगाई है। टोक्यो पैरालंपिक के टाइम पर भी मेरी तैयारी अच्छी थी, पर बारिश की वजह से या किन्हीं अन्य कारणों की वजह से मैं उधर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। उधर भी तकरीबन मेरी सिल्वर मेडल की कैपेसिटी जितनी तैयारी थी, पर हालांकि इस बार अच्छा बॉडी ने साथ दिया और मोर देन एक्सपेक्टेशंस मेरी थ्रो गई और काफ़ी अच्छा लग रहा है सर। जब देश का नाम रोशन हुआ और आखिरी गोल्ड जब हमने मेडल टैली को समाप्त किया तो गोल्ड मेडल से हुआ, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है सर। 47.232 मीटर लंबी आपने जो है जेवलिन फेंकी है, ये अपना आपका पर्सनल बेस्ट भी है और पैरालंपिक का रिकॉर्ड भी है। लेकिन जब आपके सामने जब ईरान के खिलाड़ी थे और ईरान के खिलाड़ी आपसे ज्यादा फेंक रहे थे, आप भी मानकर चल रहे थे कि गोल्ड मेडल उनका हो गया, सिल्वर मेडल आपका हो गया, आप उनके पास बैठे हुए थे, अचानक ये सब कैसे हो गया कि वो आप जो है सिल्वर से गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब हो गए और उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया? सर क्या था कि जैसे अब मेरी और ईरानी खिलाड़ी की टक्कर चल रही थी, क्योंकि एक बार वो आगे हुआ, एक बार मैं आगे हुआ, फिर दोबारा वो आगे हुआ, परंतु किन्हीं रूल ब्रेक करने की वजह से उसको अयोग्य घोषित किया गया और कुछ टेक्निकल रूल थे जो जिनका उन्होंने पालन ना किया, इसकी वजह से उनको उनको अनस्पोर्टिव कहा गया और जिस तरह से काला झंडा लेकर वो ऐसा लग रहा था कि विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि खेल तो इन सब चीजों को आपस में जोड़ने का काम करता है ना। तो आपने तो एक अपनी बहुत शानदार आपका परफॉर्मेंस रहा, आपने भी कुछ सांत्वना दी उनको जाकर? मैंने सुना है कि वो उस समय चिल्लाने लग गए थे जब पता चला कि गोल्ड मेडल उनके हाथ से छिन गया है, आप उस समय उनको सांत्वना दे रहे थे? जी सर, जैसे कि आपने अभी बोला कि खेल हमको एक दूसरे के साथ जोड़ता है, वैसे ही मैं और ईरानी और इराकी वाले दिए हम तीनों मित्र भी हैं, बट ऑन ग्राउंड वी आर कॉम्पिटिटर्स, तो वहाँ हम एज ए कॉम्पिटिटर और एज ए इंडियन हम फाइट करते हैं, परंतु आफ्टर द मैच वी मीट एज एवरीवन लाइक अ ब्रदर। सो हम एक दूसरे से अच्छे से मिले, अच्छे से बातचीत हुई, बट जब हम मेडल सेरेमनी के लिए अंदर इंतजार कर रहे थे तब उनको रेड कार्ड देके उनको डिस्क्वालीफाई घोषित किया गया था, तो तब वो एकदम वो फूट फूट कर रोने लगे। मैंने उसको गले लगाया, उसको थोड़ा शांत किया, परंतु मेरे को नहीं पता था ये किस वजह से और किन कारणों से हो रहा है। और तो उसके बाद फिर वो चीज़ उन्होंने नहीं बदली, क्योंकि आई थिंक जो रूल ब्रेक हुआ था वो काफी सीरियस था, तो इसलिए उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। आप पानीपत से ताल्लुक रखते हैं, हरियाणा में वैसे भी कुश्ती कला, बॉक्सिंग कला, एथलेटिक्स कला, इन सब के बहुत मायने होते हैं, और आपकी जर्नी किस तरह की रही चाहूंगा कि आप जरा हमारे श्रोता जानना चाहेंगे कि कैसे आपकी जर्नी की शुरुआत हुई? पहले स्टार्टिंग जब बच्चा था तो तब पापा रेसलिंग करते थे, तो उन्होंने ही मेरे को रेसलिंग गाइड किया, एज ए रेसलर गाइड किया। मैंने थोड़ी दिन 3 से 4 साल कुश्ती भी किया, ट्राई किया, स्टेट में ब्रॉन्ज मेडल भी मेरा आया था, और फिर उसके बाद थोड़ा इंजरी हुआ, वो थोड़ा सीरियस था तो इसलिए छोड़ना पड़ा। फिर बीच में थोड़ा सा गैप आया, गैप आने के बाद मैंने रनिंग शुरू किया और रनिंग के बाद फिर मैंने जेवलिन शुरू किया, तो काफ़ी मतलब काफ़ी चीज़ें ऊपर नीचे होने के बाद एक स्टेबल प्लेटफॉर्म मिला था, उसमें फिर धीरे 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 मेहनत करके थोड़ा सा अच्छा स्थान अच्छा रहा।
चलिए, आप पानीपत से हैं और आपने वेंकटेश्वरा कॉलेज जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, वहां से ग्रेजुएशन की, तो ये वेंकटेश्वरा कॉलेज जाना कैसे हुआ और वहां आपकी कला जो है किस तरह से आपकी कला को चमकाने में कॉलेज की और आपके अन्य साथियों की भूमिका रही? मैं 2017 में दिल्ली आ गया था अभ्यास के लिए। मेरे कोच इधर ही मेरे को ट्रेनिंग करवा रहे थे और साथ के साथ मैं पढ़ता भी था। तो वेंकटेश्वरा कॉलेज में 2018 में मैंने एडमिशन लिया था। मेरा भाई भी पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र रहे हैं, तो उन्होंने ही मेरे को पूरा गाइड किया और अच्छे कॉलेज में मेरा एडमिशन मैं साथ दिया। और फिर उसके बाद कॉलेज ने सपोर्ट किया मेरे को, क्योंकि उस टाइम पे भी मेरा जूनियर वर्ल्ड में मेडल आया था और धीरे धीरे 2021 में मैं उधर से पास आउट हो गया था। तो कॉलेज की जर्नी साथ साथ और मैंने स्पोर्ट्स को एक साथ मेंटेन रखा, बट हमेशा प्रायोरिटी स्पोर्ट्स को दी, क्योंकि मेरे को पता था कि मेरे को करना जो मेरा ड्रीम है, जो मेरा गोल है, वो ये है। परंतु कॉलेज की तरफ से भी अच्छा खासा सपोर्ट रहा था। नवदीप जी, आप पैरालंपिक में आखिरकार आपको उतरना पड़ा, आपके जो विकलांगता थी उसका, उसके बारे में बताएं कि वो स्थिति, वो मतलब अब है तो खुशी का मौका, लेकिन हमारे श्रोता आपसे बहुत बड़ी प्रेरणा लेना चाहते हैं, बहुत बड़ा बहुत कुछ सीखना चाहते हैं आपसे, क्या कहेंगे उस बारे में? वो लम्हा कैसा था जब आपको मजबूर होना पड़ा पैरालंपिक में उतरने के लिए? हाँ, मेरी जो डिसेबिलिटी है वो बाय बर्थ थी। पापा को पता था कि हाइट ज़्यादा नहीं ग्रो करेगी, ड्वार्फिज्म के सिम्टम्स डॉक्टर ने पहले ही बता दिए थे, तो इन्हीं कारणों से शुरुआत से पता था। बट मेरे को ये सब चीज़ें नहीं पता थी, क्योंकि मैं तो काफ़ी बच्चा था। पर धीरे धीरे जब 7, 8, 10 साल की उम्र आई, तो धीरे धीरे रियलाइज होने लगा कि नहीं, मैं इतना ग्रो नहीं कर रहा हूँ जितना बाकी सब हैं, मेरी हाइट छोटी रह रही है। फिर धीरे धीरे एहसास होता गया, तो और पापा की भी हाइट थोड़ी कम थी, तो उन्होंने, उनको पता था पैरा स्पोर्ट्स के बारे में, तो उन्होंने मेरे को इंट्रोड्यूस करवाया था पैरा स्पोर्ट्स। नवदीप, अब आगे क्या, अब अगला अगला आपका सफर क्या है, अगला लक्ष्य क्या है? देखो सर, जैसे किसी विद्वान ने कहा है कि जब पानी ठहर जाता है तो पानी गंदा हो जाता है, तो नदी की तरह जब हम बहते रहेंगे, अगला लक्ष्य हम अगले टाइम ही आपको बताएंगे, क्योंकि अभी हाल फिलहाल आई वांट टू एंजॉय माय दिस मोमेंट, क्योंकि मेरे ये मेरा लाइफ में पहली बार आया है और मैं इंडिया आके इसको खूब एंजॉय करूँगा। और अगला लक्ष्य मैं मेरे कोच से डिसाइड करूंगा, मैंने पूछा भी था, कोच बोला अब मेरे से 2 महीने तक बात मत करियो। चलिए नवदीप, चलते चलते हमारे श्रोता जानना चाहते हैं कि आप इतनी गंभीर, जैसे कहते हैं जैवलिन थ्रो जैसी इवेंट में, जहां स्टेमिना चाहिए, जहां गति चाहिए, रनवे पे तेज दौड़ने की आदत डालनी चाहिए, तो अब आपकी कुछ शौक भी होंगे, कुछ आपकी रुचियां भी होंगी, आपकी किस तरह की हॉबीज हैं, क्या आप फिल्में विल्में आप भी देखते हैं? मेरे को फिल्में देखना पसंद है, मेरे को म्यूजिक सुनना पसंद है, और उसके अलावा स्पोर्ट्स तो मेरे को अच्छा लगता ही है, क्योंकि इधर तो मेरा मन लगता है। और थोड़ा बहुत मैं वीडियो गेम्स, बहुत रेयर इतना नहीं, बट मूवीज़ और इन सब में मेरा काफ़ी मतलब अच्छा लगता है, टाइम पास के लिए अच्छा साधन है। आखिरी आपने फिल्म, आखिरी आपने कौन सी फिल्म देखी थी? जी टू स्त्री स्त्री टू ओके ओके। चलिए, हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आप इस तरह से खूब तरक्की करें और अगली बार जो है जब पैरालंपिक गेम्स हो या पैरा एशियन गेम्स हो, वहां आपके गले में सोने का तमगा जरूर झूलता हुआ दिखाई दे। एक बार जरा सोने का तमगा जरा हमें दिखा दीजिए हमारे श्रोताओं को। ओके। क्योंकि ये कुछ यादगार लम्हे होते हैं जिसे हर कोई अपने जीवन में ताउम्र संजोना चाहता है। और ये देखिए, इंडिया न्यूज के जो हमारे श्रोता हैं वो देख सकते हैं पैरालंपिक के का गोल्ड मेडल, जो भारत का आखिरी गोल्ड मेडल था इस बार का, और भारत ने 7 गोल्ड सहित कुल मिलाकर 29 पदक हासिल किए। नवदीप, आप हमारे साथ जुड़े, हम आपको शुभकामनाएं देते हैं आगे के सफर के लिए। नमस्कार। थैंक यू।